लिखने के बाद अब हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न एक, समीर कैसा बालक था? उत्तर, समीर दयावान बालक था। प्रश्न दो, जेब खर्च के पैसों से समीर क्या करता था? उत्तर, जेब खर्च के पैसों से समीर वृद्ध भिखारियों को भोजन खिलाता था। प्रश्न तीन, रुपए लेकर समीर ने क्या किया? उत्तर, रुपए लेकर समीर ने आशीष को पुस्तकें दिलाई। प्रश्न नंबर चार, रिक्त स्थान भरो। समीर कक्षा दो में पढ़ता था। वह सदैव दूसरों की सहायता करता था। पापा ने उसे 100 रुपये दे दिए। समीर ने बचे हुए पैसे पिताजी को लौटा दिए। सच्चा मित्र सदैव संकट में काम आता है। प्रश्न नंबर पाँच, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। समीर के पिता जानते थे कि वह फिजूल खर्च करता है। गलत। समीर के पिता उस पर विश्वास नहीं करते थे। गलत। समीर ने सच्चे मित्र का कर्तव्य निभाया। सही। आशीष के पिता को व्यापार में घाटा हो गया। गलत। प्रश्न नंबर छः, सही जोड़ी बनाइए। ईमानदार बालक, वृद्ध भिखारी, आर्थिक सहायता, फिजूल खर्च। प्रश्न नंबर छः के बाद हमारा पार्ट दो पूरा हो गया। सभी बच्चों को अपनी CW2 नंबर कॉपी में साफ सफाई से लिखना है और इसको LW कॉपी में दो बार लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।